हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट रेसिपी गोभी के पैनकेक बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रात भर के सोने के बाद जब हम सुबह नाश्ता करते हैं, तो हमारा नाश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन और विटामिन हमारे भरपूर मात्रा में हो। तो आइए हम हेल्दी पैनकेक बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, इसमें मैंने कुछ मसाले आधी चम्मच हल्दी, मैंने कुछ मसाले लिए हैं, इसमें चौथाई चम्मच हल्दी है, चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, इसमें चौथाई चम्मच नमक है, थोड़ा सा जीरा है और एक पिंच से भी थोड़ी कम हींग है। हींग आपकी जैसे अगर स्ट्रांग हो तो बहुत कम डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और इसमें मैंने कसा हुआ अदरक और एक हरी मिर्च ले लिए, और ये मैंने फूल गोभी लिया है, इसको मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया था। तो आइए रखते हैं एक पैन, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं बहुत ही कम ऑयल से तैयार करूंगी, तो ये बहुत ही आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है नाश्ता बनाने का। दूं मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। जिससे अदरक का ये कच्चापन निकल जाए, थोड़ा सा अदरक भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे और मसाले। अब मैं डाल लेती हूँ इसमें अपने सारे मसाले। नमक मैं इसी समय ऐड करे दे रही हूँ, नमक मिर्च उसके बाद में मैं ऐड नहीं करूंगी। अब डाल देंगे इसमें हम अपना गोभी, और गोभी डालकर हम अच्छी तरह से गोभी को फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब हम गोभी को फ्राई करके अपने पैनकेक बनाते हैं तो हमारे पैनकेक बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। डालने को आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन नवदुर्गा में मैं प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए प्याज नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, केवल इसमें आपको गोभी का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आपको मिलेगा, तो आप केवल गोभी से ही तैयार कर सकते हैं। गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं, जिससे हमारा जो गोभी का जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमारा फ्रेंड्स बन चुका है, अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने 2 चम्मच बेसन लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इस आटे को ऐड कर दूंगी। अब हमें इसमें मसाले कोई नहीं डालने हैं, क्योंकि मसाले हम सारे गोभी में ऐड कर चुके हैं। मिक्सर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं एक पैन रखूंगी और इन पैनकेक को सेकना तैयार करूंगी। मैंने पैन गैस पर रख दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को पैन में अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। इसको पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है, अब मैं इसमें एक एक चमचा लेकर इसके बैटर का और इसमें डालूंगी।
एक पैन में आपके जितने आ जाए आप उतने डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पैनकेक तैयार कर रही हूँ। इस तरह से इस पैन में हमारे 3 पैनकेक आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल और इनको हम थोड़ा सिकने देते हैं। जब एक साइड सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। आप चाहें तो इनको बड़े आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं छोटे छोटे पैनकेक तैयार कर रही हूँ। ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। ये एक तरफ से हमारे सिक चुके हैं, अब इसमें इसको हम पलट देते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एक साइड और, जिससे एक दूसरी तरफ से ये अच्छे सिक जाएं। नॉन स्टिक पैन पर तो ये बिल्कुल चिपकते नहीं है, और अगर आप आयरन के तवे पे बना रहे हैं तो उस पर आप एक पराठा या ब्रेड पहले सेक लें, उसके बाद चीले डालें। अगर आप कोरे तवे पे कोई भी चीला या पैनकेक बनाते हैं तो उसमें चिपकने का डर रहता है। पैनकेक मेरे सिक चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में। फ्रेंड्स देखिए, मेरे सारे पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। हमारे पैनकेक बनकर सारे तैयार हैं और इसको खाने के लिए आपको किसी भी सब्जी वगैरह की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अचार ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे चाय के साथ ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये गोभी के पैनकेक आपको कैसे लगे आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अनुभव शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी और सारी रेसिपी देखने के लिए आप फेसबुक पर सखी चैनल को सर्च करके मेरी सारी रेसिपी देखते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।